कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिस्से ईमान में रखे। वेलकम बैक टू इरम आपकी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं आप सबकी दुआओं से। फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। एक काम जरा जरूरी कर लिया करो, कोई पैसे नहीं लगा दे दे बीच, ठीक है ना। तो जी आज है फ्राइडे, तो आज पकेंगे घर में थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह बनेगा। आज मैं बनाऊंगी लैम बर्गर, जो कि मैंने ऑलरेडी उनका मिक्स करके रख लिया हुआ है, शमी कबाब बर्गर यानी कि पाकिस्तानी बर्गर। और साथ में बनाऊंगी स्पगेटी बच्चों के लिए विद मीट बॉल, क्योंकि आप लोगों को पता है कोफ्ते बनाए थे तो कोफ्ते पड़े हुए हैं, तो बच्चों ने बोला हमने स्पगेटी विद मीट बॉल खानी है, तो साथ में वो बनेगी। तो अब आपको बताऊंगी कि जब कोफ्ते दूसरे दिन पड़े रहे तो उनको कैसे, वैसे तो बच्चे रोटी के साथ भी मजे से खा लेते हैं, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से आप कैसे खा सकते हैं। तो दूसरा तरीका है स्पगेटी विद मीट बॉल, तो वो बनाते हैं। बस मैंने स्पगेटी को बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ है, जो कि तकरीबन बॉयल हो चुकी है। बस अब इसको मैं ठंडे पानी में डालूंगी और इसको करूंगी साइड पे, और बाकी चीजें अपनी करती हूँ। साथ में बनेंगे कॉर्न्स भी, तो कॉर्न्स को अगर आपको वहां कोने में, मेरा एयर फ्रायर किथे 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 उधर कोने में नजर आ रहा है ना, एयर फ्रायर स्टीमर में, वो देखें वो आपको नजर आ रहा है। तो वहां पे मैंने स्वीट कॉर्न्स ऑलरेडी रख दी हुई हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई रखूंगी फ्राइज के लिए, साथ साथ में बर्गर बनाएंगे और साथ साथ में स्पगेटी बनेगी, जो कि आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नो भी प्रेस कर लें। तो चले मिलती हूँ आप जी। सबसे पहले कबाब डालना शुरू करते हैं, जो कि हमने बर्गर बनाने हैं। बर्गर के कबाब बनाएंगे सबसे पहले हम, क्योंकि लैम के कीमे से बन रहे आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरी थिक, हम कबाब की इतनी थिकनेस रखते हैं जब हमने उसको बर्गर में रखना हो। बिस्मिल्लाह, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बर्गर मुझे इन टिकियों से बनाने हैं, लेकिन मैं फिर भी 4-5 कबाब बना लूँगी, किसी का अगर वो खाने को दिल किया तो वो खा सकता है, ठीक है ना। इसके इन कबाब को हल्की आंच पे पकाते हैं ताकि अंदर से ये अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि कच्चे कीमे के होते हैं तो फिर ये अच्छे तरीके से अंदर से पकने चाहिए, क्योंकि मोटा डाल रहे हैं तो फिर इसलिए थोड़ा हल्की आंच पे पकेगा। लैम है, लैम पकेगी तो फिर ही है ना। तो बस ये देखिए, बस ये वाला मैं डाल दूँ लास्ट वाला, शामी कबाब जो हम वो बाद में फ्राई करेंगे, पहले ये वाले पकते हैं, क्योंकि वो तो पके हुए होते हैं, उनको तो सिर्फ हमने एक किस्म का ग्रो नहीं करना होता। तो इन कबाबों को पकने देते हैं। चिप्स का फ्रायर यानी कि ये वाला ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ, फिर इसमें हमने फ्राइज डाल दिए। ये मैंने पैन रख लिया है स्पगेटी के लिए भी, क्योंकि पीछे कबाब रेडी हो रहे हैं, चिप्स भी बन रही है, तो अब साथ साथ में स्पगेटी का भी कर लेते हैं। इसके लिए मुझे सॉस लेनी है, कोई भी पास्ता सॉस आप ले लें। पास्ता सॉस डालूंगी, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, तो स्पगेटी तो हमने ऑलरेडी बॉईल की हुई है, इसको थोड़ा सा बस हमने गर्म करना है सॉस को। कुछ नहीं इसके अंदर, कोई घी कुछ नहीं डालना, सिर्फ हमने कुछ स्पाइसेस डालने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे रखे हैं, थोड़ा सा नमक, क्रश चिली अपने टेस्ट के हिसाब से, ओरिगैनो, बेजल एंड पार्सले। कलर के लिए अब इनको मिक्स करती हूँ और फिर इनको थोड़ा सा पकने देते हैं। हल्का सा पक जाएगा जब, फिर इसके अंदर स्पगेटी डालेंगे और कोफ्ते डाल के दम पे रख देंगे। बस हमने इसको पकाना है, पीछे अपने कबाब को ना इस तरह हल्के हल्के से ना पुश करें, ताकि अगर उनके अंदर कोई कच्चापन है या पानी है अभी, क्योंकि कच्चे कीमे के आपको बार बार बता रही हूँ, तो वो अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखेंगे देखिए किसी किसी कबाब में से पानी कैसे आया है ना। तो फ्राइज को भी साथ साथ देखते रहें,
सॉस हमारी पकना शुरू हो चुकी है। इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं सब कैचिंग जो कि हमने बॉइल करके रखी है। ये अच्छी सी ये पकना शुरू हो गया तो इसके अंदर आई बिस्मिल डाल दूंगी सब गैसी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके साथ ही इसके अंदर कोफ्ते भी डाल देंगे। ये थोड़ी इजी मिक्स हो जाती है क्योंकि ये बैटर होती है एग नूडल्स से। इसको ज़रा मैं मिक्स कर लूँ। देखें जी कोफ्ते जो हमने बना के रखे हुए थे आप लोगों को पता है, इनको मैं इस सॉस के अंदर ऐड कर दूँगी। देंगे और कोफ्तों को थोड़ी थोड़ी कोफ्तों की सॉस भी अगर चली जाए तो कोई बात नहीं। सब कोफ्तों को यहाँ पे रख के तो इसको हमने दम पे रख देना ताकि कोफ्ते भी साथ में थोड़े से गर्म हो जाएं। बस अब इसको हमने ढक्कन बंद करना है और हल्की आंच पे दूसरे कबाब बन गए हैं तो अब शामी कबाब भी बना लेते हैं। स्पेगेटी को मैंने दम लगा दिया, एक फूल चिप्स का निकाल लिया, दूसरा मैंने डाल दिया। अब शामी कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। मैंने अपना कैमरा उस साइड पे कर दिया कि ना जरा सामने से आपको मैं भी नजर आऊँ। अच्छा फटाफट से मैं ये वाले कबाब भी डालूंगी और इनको भी फटाफट से फ्राई कर लूंगी। ये मैंने फ्रीज किए हुए थे और ये अच्छे से डीप फ्रॉस्ट हो गए हैं, इनको भी अब फटाफट से हमने फ्राई कर लिया। काम को फटाफट से खत्म करेंगे और फटाफट से डिनर टाइम पे रेडी कर लेंगे। ये भी डालनी है, इसको मैं रखूंगी क्योंकि ये अंडा मैंने वेस्ट नहीं करना, इसको मैंने पकाना है। और फिर चले मैं ज़रा हाथ धोऊँ तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चिप्स का सेकंड फूड भी निकालती हूँ। चिप्स इतने ज़्यादा नहीं बनाने थे लेकिन मैंने फिर भी बना लिए कि बच्चों का दिल कर रहा था। अभी तो कह रहे हैं कि नहीं खाना, अभी आपको सब कहती कि फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। पहले मैं ना ये निकाल लूँ चिप्स। तो मैंने यहाँ पर पैन रख लिया बर्गर्स बंस को गर्म करने के लिए। फिर आपको बर्गर बना के भी दिखाती हूँ। मैंने कहा चलें आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करें कि आज हमारे घर में क्या बन रहा है। तो अंडा भी फ्राई करना है मैंने, पाकिस्तानी बर्गर भी बनेगा और लैम का दूसरा बर्गर भी बनेगा। ये चिप्स हमारी हो गए, फ्राइज हैं वैसे ये चिप्स नहीं हैं। थोड़ा चिप्स जो होते हैं वो मोटे होते हैं। ये फ्राइज है, फ्राइज रेडी हो चुके हैं तो देख लेते हैं कि पैन गर्म हुआ है। बर्गर्स को मैं हमेशा इस तरह गर्म करती हूँ, इस तरह गर्म किए हुए ना बड़े मज़े के बनते हैं। ये देखिए इस तरह, बस अभी इनको हल्का हल्का सेक लूँगी, सेक के इनको साइड पे रखती जाऊँगी तो उनके ना बर्गर बना लेंगे। जैसे ये सिक जाएंगे फिर हम इनको थोड़ा सा साइड चेंज कर देंगे, अभी नहीं सिके। देख लेते हैं जी वापस से, ये वाला हो गया, चमचा लेना चाहिए, खाना लग गई हैं। ये भी हो गया, अब इनको दूसरी साइड से कर लेते हैं और फिर इनको निकाल लेंगे पैन में से, फिर दूसरे जो हैं तीन उनको कर लेंगे। गर्मी ने तो मत मारी पड़ी है। तो चलें जी ये हो गया, इनको निकाल लेते हैं। देखें जी सारे बर्गर बंस रेडी हो गए हैं, अब इनको हम बर्गर बनाएं। देखें जी मीट बॉल विद स्पेगेटी विद मीट बॉल ये भी रेडी हैं। तो बस मैं अभी बच्चों को देती हूँ तो फिर आप उनको बर्गर भी दिखाती हूँ। वो तो आपको दिखा दिए ना मैंने, बर्गर्स की प्लेट आपको दिखाती हूँ। ये देखें यमी यमी, कैसे लगे आपको, कैसे लगे मेरे बर्गर्स। तो ये थी आज की रेसिपी, होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। ओके जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी माशाल्लाह से।
Mm-hmm.